तो नमस्कार दोस्तों, एक गैप डाउन के बाद रिकवरी हुई। अब ये रिकवरी क्या आज भी कंटिन्यू रहेगी या सब टाई टाई फीस हो जाएगा और 19,500 ब्रिज करके क्या नीचे का लेवल फिर आ जाएगा। ग्लोबल मार्केट काफ़ी ख़राब है, अमेरिकन मार्केट रेड में बंद हुए हैं, कैप निफ्टी अभी जब तक अभी हम देख रहे हैं फ्लैट कारोबार कर रही है। ऐसे में क्या आज का ट्रेड सेटअप होना चाहिए, ये सब विधों पे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, क्योंकि एक क्रिएटर के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट बहुत मायने रखता है। इससे पता चलती है, प्रोत्साहन मिलता है, इनकरेजमेंट मिलता है। तो मार्केट वीटनेस ए पुल बैक आफ्टर ओपनिंग ए गैप डाउन एंड क्लोज वेल ऑफ द डेज बाय टेकिंग सपोर्ट 19,500 का एरिया पे सपोर्ट लिया 19 अक्टूबर को। हैंस इफ द सेड लेवल 19,600 गेट होल्ड कमिंग डेज देन फर्दर पुल बैक टूवर्ड्स हम देख सकते हैं 19,700 और 19,800 इज मोस्ट लाइकली। एक्सपर्ट ऐसा बता रहे हैं कि 19,500 का जब सपोर्ट करेगा तो 19,700 और 19,800 का लेवल भी हमें देखने को मिलेगा, जो एक सपोर्ट जोन 19,500 और 19,600 बन रहा है। अब क्या ट्रेड सेटअप बैठता है, क्या आगे क्या करना चाहिए, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर 19,000 ऑन द डेली चार्ट निफ्टी हैज टेकन सपोर्ट 19,530 और 19,500 पे सपोर्ट लिया है, वेयर सपोर्ट इज द फॉर्म ऑफ 61.82% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल अगर देखा जाए 19,333 और 19,850 का लेवल है। ये जतिन केडिया बता रहे हैं, ये टेक्निकल रिसर्च के हैं PNB परिवार। हिब्रिज थर्सडे ऑफ लोज 19,512 का जो लो बनाया है, सेलेक्ट एज क्रूशियल सपोर्ट एंड अनटिल दैट इज नॉट ब्रीच्ड ऑन द डाउन साइड वन कैन एक्सेप्ट निफ्टी विटनेस पुल बैक 19,730 और 19,800 तक का लेवल देख सकते हैं। ब्रॉडर मार्केट भी इसी तरह कारोबार किया, निफ्टी मिड कैप 100 0.1% और स्मॉल कैप भी 0.15% बढ़ के बंद हुआ है। पाइवट पॉइंट कैलकुलेटर बता रहा है निफ्टी को पहला सपोर्ट मिलेगा 19,542 पे, दूसरा 19,502 पे, तीसरा 19,437 पे। हायर साइड में रेसिस्टेंस पहला बनेगा 19,671, दूसरा 19,711, तीसरा 19,776। बैंक निफ्टी भी नैरो साइड में बंद हुआ 134 पॉइंट गिर के 43,755 पे बंद हुआ है। फोर में बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है लॉन्ग अपर शेडो के साथ डेली चार्ट में, इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ पैटर्न बनाया है। द बुलिश रिवर्सल पैटर्न फॉर्म में डाउन ट्रेंड इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंस लाइकली बाउंस बैक इन कमिंग सेशन। द करेंटली फेसेस इमीडिएट रेसिस्टेंस जो बैंक निफ्टी को दिख रहा है 44,000 के लेवल पे दिख रहा है, वाइल सपोर्ट सिचुएटेड जो है इसका सपोर्ट जहाँ पे है वो 43,500 पे है। एडीसीबी ब्रेकआउट इन इधर डायरेक्शन दिस रेंज कैन एक्सेप्ट टू लीड सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग मूव्स, कुणाल साहब बता रहे हैं LKP सिक्योरिटीज़ के। इफ इज द प्रिवेलिंग सेंटीमेंट फॉर बैंक निफ्टी रिमेंस टाइटल टूवर्ड्स सेल ऑन राइज अप्रोच रखना चाहिए, इम्पेलिंग दैट द ट्रेडर्स आर मोर इंक्लाइंड टू सेल द इंडेक्स ट्रेडिंग प्राइस रिलीज। स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस इज ऑब्जर्व 44,500 पे है एंड क्लोजिंग प्राइस अबव दिस लेवल इंडिकेट्स रिजम्पशन ऑफ द अप ट्रेंड। प्राइवेट पॉइंट कैलकुलेटर बता रहा है निफ्टी को पहला सपोर्ट बैंक निफ्टी को 43,599 पे, दूसरा 43,481 पे और तीसरा 43,290 पे मिलेगा। वहीं रेसिस्टेंस का बात कर लेते हैं तो पहला रेसिस्टेंस मिलेगा 43,982 पे, दूसरा 44,100 पे और तीसरा 44,291 पे। कॉल ऑप्शन डाटा सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है 19,800 के स्ट्राइक पे, जहां 72.6 लाख कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहा है जो एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। वहीं 20,000 के स्ट्राइक पे 64 लाख कॉन्ट्रैक्ट, 19,700 के स्ट्राइक पे 57 लाख कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहा है। कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा हुआ है 19,600 के स्ट्राइक पे, जहां 31 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, 20,200 के स्ट्राइक पे 26 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, 20,100 के स्ट्राइक पे 23 लाख कॉल अनवाइंडिंग हुआ है 19,000 के स्ट्राइक पे, जहाँ 46,000 कॉन्ट्रैक्ट कम हुआ है, 19,100 के स्ट्राइक पे 22,000 कॉन्ट्रैक्ट कम हुआ है, 18,500 के स्ट्राइक पे 22,000 कॉन्ट्रैक्ट कम हुआ है। पुट ऑप्शन डाटा को समझते हैं, पुट में सबसे ज़्यादा वाय खड़ा है 19,500 के स्ट्राइक पे, जहाँ 73 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, वहीं पे 19,000 के स्ट्राइक पे 72 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, 19,600 के स्ट्राइक पे 56 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है 19,600 के स्ट्राइक पे, जहाँ 21 लाख कॉन्ट्रैक्ट कम हुआ ज़्यादा हुआ है,
बढ़ा हुआ है 19,500 की स्ट्राइक पे 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट, 19,000 की स्ट्राइक पे 18 लाख कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा हुआ है। पुट अनवाइंडिंग सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है 19,800 की स्ट्राइक पे, जहाँ 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट कम हुआ है। 19,700 की स्ट्राइक पे 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट, 19,900 की स्ट्राइक पे 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट कम हुआ है। हाइस्ट डिलीवरी देखने को मिल रहा है इंडिगो पे, इन्फोसिस पे, चोलामंडलम फाइनेंस पे, कॉनकोर पे और ICICI प्रूलाइफ पे। लॉन्ग बिल्डअप किया जा रहा है बजाज ऑटो पे, नेस्ले इंडिया पे, अल्ट्राटेक सीमेंट पे, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस पे, एबीस आदित्य बिरला कैपिटल पे। लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है कोरामंडलम पे, SBI लाइफ पे, दीपक नाइट्रेट पे, SBI पे। लॉन्ग शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है एस्ट्रेल पे, IGL पे, लाल पैथलेब पे, इपका लेब पे। शॉर्ट कवरिंग हो रहा है परसिस्टेंट सिस्टम पे, कैफोर्ज पे, JK सीमेंट पे, IX पे। रिजल्ट होने वाला है JSW स्टील का, JSW एनर्जी का, 197 कम्युनिकेशन जिसको पेटीएम बोलते हैं, L&T फाइनेंस का, बहुत सारे हैं जो रिजल्ट होने वाले हैं, न्यूज़ में रहने वाले हैं, HUL, जोमाटो, नैटको फार्मा, इंडिगो रेमिडीज, टाटा मोटर्स, जिंदल स्टेनलेस, हैवेल्स इंडिया, FIA ने बाइक जो है सेल किया है कल भी, 1,093 करोड़ डेली ये सेल कर रहे हैं, और DI ने बाइक किया है 736 करोड़ का। बैन में रहने वाला बलरामपुर चीनी, डेल्टा कॉज, JNFC इंडिया विल्स फाइनेंसिंग, इंडिया सीमेंट, मनापुरम फाइनेंस, MCX इंडिया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है, 19,000 को क्या रिस्पेक्ट करेगा या वो भी टूटने वाला है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर अपना राय रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।